Hello, my dear friends. Welcome to our channel Spin to Civilian. I am Prem Kumar, and in this video, we are going to discuss about 67 BPSC mains official unevaluated copy. देखिए GS2 के ये copy है, GS1 का हम लोगों ने already डाल चुका है. आप नहीं देखो तो जाकर देख लीजिएगा कि किस तरह का ये है, मतलब कि इसमें रिटर्न आप देख सकते हैं, फिगर मैप वगैरह कैसे बनाना है, स्टेटस वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल बनाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे एंड नेक्स्ट में हम वीडियो को लाइक करेंगे. कोई भी आप कमेंट कर सकते हैं, आप लोग वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं. देखिए ये सपोर्ट करिए थोड़ा सा. GS2 में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, और आपको जैसे कि एक कोड दिया रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे हटा देंगे, लेकिन ये देख सकते हैं आप लोग ये चीज़ है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ से चालू है. मैंने सेक्शन 3 अटेम्प्ट किया था. देखिए सेक्शन 3 मैंने अटेम्प्ट किया था तो कैसे अटेम्प्ट किया है, फ्लड वाला क्वेश्चन था उसको कैसे, ये इंजीनियरिंग का यूज है आपको साइंस सिटी का, तो इसमें मैंने थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लास्ट में फिर लिखा है उसको आकर, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्रोमाइज मिलेगा. लेकिन आप देखिएगा डाटा वगैरह मैंने डाला है, नॉर्थ बिहार में कैसे आता है, फिगर वगैरह मैंने बनाने का प्रयास किया है, और फिर रीजन क्या है थोड़ा सा दिखाया है 3-4 लाइन, और फिर वहाँ पर आपको प्री पोस्ट ड्यूरिंग सभी डिजास्टर के बारे में, ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर तो मैंने केवल फिगर बना दिया है, दिखा नहीं है. डैम और पैराज सिविल इंजीनियरिंग का यहाँ पर मैंने डैम बना दिया. फ्लड फोरकास्टिंग टेक्निक उड़ीसा फ्लड मॉडल को मैंने एग्जाम्पल दे दिया. और ये स्पेस टेक्नोलॉजी में जैसे कि फोरकास्टिंग वार्निंग के लिए होता था बस लिखा, इसमें डिसेट या कुछ और लिख सकता था. मैंने ये बोला ना, ये लिख कर मैंने आगे क्वेश्चन में फिर लास्ट में आगे इसमें लिखा, तो थोड़ा सा इसमें मतलब कि ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया, लेकिन ठीक है जैसे एग्जाम्पल भी दे दिया तो कोई ये नहीं है. ठीक है, बायोटेक मेडिसिन यूज टेक्नोलॉजी होता है, इसको और अच्छा से किया जा सकता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज है, आपको रोबोटिक्स लिखा मैंने, पॉइंट बहुत सारा है, लेकिन और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा, मतलब मार्क्स मिल सकता था. अब तो वेलेटेड आएगा तो ही पता चलेगा, लेकिन फिर भी ठीक है. एक एक लाइन भी लिख दिया तो कम 5 मिनट में चला गया. सेंडाई फ्रेमवर्क को मैंने यहाँ UPSC केरला का मॉडल वगैरह को दिखा दिया है, तो ये चीज़ रहा. अब यहाँ पर देखिए तो आप लोग बताइएगा कि किस तरह का ये आंसर, आपको अगर कुछ सीखने को मिला तो जरूर सीखिएगा. तो मेरा तो ऑप्शन सिविल इंजीनियरिंग था, अगर बोलिएगा तो मैं डालने का प्रयास करूंगा अभी टाइम अगर मिलता है तो. ये देख सकते हैं ये एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन था, इसमें कैसे साइंस एंड टेक का यूज होगा. नैनो टेक में बहुत लोग लिखे थे, मैंने इसको डिफरेंट टाइप का अटेम्प्ट करने का प्रयास किया. फूड सिक्योरिटी लिखा है यहाँ पे, ये फिगर कहाँ पे कौन सा मिलता है वो सब लिख कर दिखाने का प्रयास किया है, तो ये अच्छा बोला जाएगा आपको. अटेम्प्ट ये कितना रैंक है इंडिया का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, ये सब बता दिया है. कितना टोटल फूड वेस्टेज होता है, कितना ये रैंक है, डाटा बहुत सारा ये देखिए केरला से कंपेरिजन करके दिखा है, ये भी अच्छा चीज़ है, इस तरह से कर सकते हैं. बायोटेक्नोलॉजी HYV सीड्स के बारे में आप लिख सकते हैं, मैकेनाइज्म में ट्रैक्टर, रेडियो टेली मैसेज अवेयरनेस, स्पेस टेक्नोलॉजी में मैपिंग, ICT में ये सब लिख सकते हैं. और यहाँ पे ये लैंड रिकॉर्ड, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ये नैनो सेंसर्स, ये थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन कर सकता था, बट मैंने टाइम इसमें भी थोड़ा सा मैंने इशू कर दिया था, शुरू में लिखा था बट ये छोड़ कर फिर आगे बढ़ गया था. तो ये आप देख सकते हैं कंक्लूजन. तो हो सकता है इसमें मान लीजिए कि मुझे पेज है ज़्यादा, पॉइंट है ज़्यादा, लेकिन 16 मार्क्स मिल सकता है ये, और उस पर भी 16 मार्क्स होता है, तो इसमें 32 मिल सकता है, जहाँ मुझे 35 से 40 मिल सकता था, लेकिन कोई बात नहीं. आगे का क्वेश्चन अच्छा से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं जैसे बिहार का और झारखंड का जो ये अलगा हुआ या इंडिया से रिलेट करके ये इंडस्ट्री का किस तरह का अलग है, तो वो बताया मैंने. ये बहुत सारा इंडस्ट्री झारखंड में चला गया, ये डाटा वगैरह आप देख सकते हैं, ये ठीक है झारखंड है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया से कंपेरिजन कर दिया है मैंने ये बिहार का, और ये आप देख सकते हैं इंडिपेंडेंस से पहले क्या चीज़ का हम लोग का, ये टाटा स्टील पूल का इंडस्ट्री, ये सब मैंने लिखा है. प्रॉब्लम क्या था, लैंड लॉक क्या प्रॉब्लम है, तो ये लैंड लॉक स्टेट है या मिनरल कम है, एग्रीकल्चर बेस्ड ज़्यादा ये है, हम लोग स्टार्टअप ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे एटीट्यूड जो है लोग गवर्नमेंट जॉब के थ्रू है, जैसे कि सिविल सर्विस हो गया, आपको फंड का भी कमी है, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी है, स्किल भी उतना ज़्यादा नहीं. देखिए इस पॉइंट को और एक्सप्लेन किया जा सकता था बट टाइम तो वहीं थोड़ा सा अभाव था, तो ये प्रैक्टिस आप लोग करिएगा. माइग्रेंट यहाँ देख सकते हैं, एजुकेशन वाला देख सकते हैं, आप लोग पॉवर्टी यहाँ पे मतलब ज़्यादा है तो उसको कम करना पड़ेगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना पड़ेगा, करप्शन वगैरह है, ये सारा चीज़ देख सकते हैं. कौन कौन स्कीम है, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, लोन टू स्टार्टअप एंड बिजनेस, बिहार के इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, या कोई इथेनॉल वाला हो गया, जीविका हो गया, 7 नीचे 2, इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं आप लोग. और यहाँ पे आप लोग मैंने कुछ कंक्लूजन आत्मनिर्भर भारत चनपटिया मॉडल को देता दिखाते हुए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो बात किया गया उसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेल्थ इंडेक्स में क्यों बिहार पीछे, इसका रैंक मैंने दिखा दिया है, और यहाँ पे ये फ्लो चार्ट भी दिखाया है, इंडिया कहाँ क्या मतलब किस देश मतलब कि स्टेट का ज़्यादा अच्छा कंडीशन है, साउथ वगैरह का, वो भी दिखाने का प्रयास किया है. अच्छा बोला जाएगा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रिप्रेजेंटेशन, लैक ऑफ ये बजटरी सपोर्ट, यहाँ पे डिजास्टर बहुत सारा आता है, क्लीननेस का दिक्कत है, लोग पास अवेयरनेस नहीं है, सॉलिड लिक्विड वेस्ट जो ओडीए बनाया जा रहा है तो उधर थोड़ा सा पहले से भी दिक्कत, स्लम एरिया है, गरीबी है, लोग पास
सेल्फ मतलब क्लीनलीनेस के लिए भी प्रेशर तो नहीं है, बहुत लोग पास वो स्लम में रहते हैं, एजुकेशन अवेयरनेस कम है, लोग हेल्थ को लेकर ज़्यादा मतलब कि जागरूक नहीं है, ये सारा चीज़ लैक ऑफ डॉक्टर और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, ये हो गया। स्टेप टेकन बाई गवर्नमेंट, देखिए क्या क्या बजटरी सपोर्ट दिया जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोला जा रहा है पंजाब में, मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य बीमा योजना, अभी डिजिटल योजना चल रहा है, आपको सीएम का मिशन परिवर्तन चल रहा है, मेडिकल कॉलेज, क्लीनलीनेस, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारा चीज़ आप डाल सकते हैं। ये कंक्लूजन में जैसे डाटा वगैरह डाल दिया, आयुष्मान भारत की भी चर्चा करके सेल्फ रिलायंट बिहार बनाने के लिए, ये सारा चीज़ आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से, और देखिए बिहार गवर्नमेंट का जीविका आया था तो पूरा फुल फॉर्म मैंने लिख दिया, बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, और इसका एक ये मैंने दिखा दिया है, ये हेमलेट लेवल, विलेज लेवल, पंचायत लेवल तीनों, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जाते हैं, एमएसएमई में कैसे काम करते हैं, मीट प्रोडक्ट अगरबत्ती वगैरह बनाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इम्पावर करना है, एमएसएमई को बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट देना, लाइवलीहुड देना, रोल क्या है, एम्प्लॉयमेंट वुमेन को, डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है, आपको लोगों को ये मतलब ये डिसीजन मेकिंग में वीमेन लोगों का ज़्यादा मिला है मौका, जेंडर इक्वालिटी देख सकते हैं, ये सारा चीज़ बहुत सारा लिखा है मैंने, जेंडर लिवलीहुड, वीमेन का बिजनेस में बढ़ावा देना है, ये सारा फिर मैंने ये कंक्लूजन करने का प्रयास किया है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भर बिहार बनेगा, और आप अगर मान लीजिए कि वीमेन को एम्पावरमेंट करते हैं, ज़्यादा सशक्तिकरण तो हो जाएगा। अब सेक्शन वन मैंने लास्ट में अटेम्प्ट किया है, ये पॉलिटी वाला है, जुडिशरी में, जिसमें कि आपको जुडिशल एक्टिविज्म और जुडिशल रिव्यू दोनों था, तो ये देख सकते हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशल रिव्यू, और ये मेडिसन वर्सेस मडबरी जो यूएसए से चला रहा था वहाँ से मैंने जुडिशल रिव्यू, फिर भगवती फादर की बोलते हैं वो सब लिखते हुए, यहाँ पे एनजेक का एग्जाम्पल देते हुए आपको केशवानंद भारती के से चालू करके सेक्शन कौन कौन सा हटाया गया, लिक्विडिटी, ट्यूपल, तलाक, ये सारा दिखा है, और फिर यहाँ पे जुडिशल रिव्यू का कुछ प्रो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, फिर जुडिशल रिव्यू का कौन सा लिखा, और यहाँ पे एक मैप भी बनाने का प्रयास किया है जितना मतलब हो सके, कुछ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, जुडिशल एक्टिविज्म या आर्टिकल वगैरह मैंने लिख दिया है, और जुडिशल ओवररीच और एडवर्टाइजिंग में कन्वर्ट हो जाता है जुडिशल एक्टिविज्म। तो ये देखिए हम लोग ये एक वीडियो डाले हुए हैं, आपको सर्च करिएगा मॉडल आंसर को तो मिल जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग ये केवल दिखा रहे हैं कैसे लिखा है मैंने, उसमें डिस्कस किया कि कैसे लिखना था, उसको कैसे सोल्यूशन करना है, 69th वाले के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बोलिए कमेंट में दे दूंगा। 2 GS का नेशनल एंथम गाना था वो, आपको हॉल में जहाँ पे मूवी देखते हैं, फायर क्रैकर्स दिल्ली में बैन था, ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये प्रो जुडिशियल एक्टिविज्म का भी मैंने लिख दिया है, तो आपने कैसे अटेम्प्ट किया आप तो बता सकते हैं, मेरा अगर कुछ फीडबैक हो, कुछ गलत हो, या कुछ आप सुधार करने का सजेशन देना चाहते हो, या आपका अच्छा हो तो आप लोग बता सकते हैं, या सीख भी सकते हैं, जो चीज़ अगर मान लीजिए कोई है तो एक दूसरे से सीखना ही है, तो ये चीज़ है, जुडिशियल एडवांटेज ओवरइच नहीं कन्वर्ट हो, इसके लिए पर्सनल बेनिफिट नहीं हो, डॉक्टर पेशेंट फाउंड करते हैं, मैंने कंक्लूड कर लिया, तो ये अच्छा लिखा है 4-5 पेज में, तो वो अच्छा मिलेगा। फेडरलिज्म में ये स्टेट का जो सेंटर का रिलेशन चलता है वो मैंने यहाँ पे फिगर बताया, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बताया क्या क्या प्रॉब्लम है, फीचर पहले बताया, 3 लिस्ट है टाइप्स ऑफ, ये कोऑपरेटिव, कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव दोनों बताया, प्रॉब्लम क्या है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है आइडियोलॉजी का, ये आपको फिर देखने को फंड का डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, लैंग्वेज को लेकर, साउथ वाला देख सकते हैं स्पेशल डिमांड को लेकर, जैसे बिहार मांग रहा है, आपको मिथिलांचल का चल रहा है, ये कोऑपरेशन होना चाहिए, डेवलपमेंट, कोऑर्डिनेशन, हेल्थी कंपटीशन होना चाहिए, ये सारा पॉइंट लिखते हुए मैंने कैसे इसको टैकल करना है ये सब मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये सरकारी कमीशन का मैंने लिखा, एक दो और लिख सकते हैं, राजा मन्नार वगैरह का, तो ये कंक्लूड यहाँ पे कर दिया, तो ये भी ठीक ठाक बोला जाएगा, 3-4 पेज जो भी है, तो अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए। अब देखिए जैसे कि ये 18-17-18 मार्क्स के मतलब मिलने एवरेज तो मिल ही सकता है आपको, ये हेल्थ वाला, और ये आपको 15 मार्क्स उसमें मिल सकता है आपको जीविका वाला में, और इसमें आपको जो क्या नाम है इसका, ये उसमें तो 20 भी मिल सकता है आपको जुडिशियल रिव्यू वाला में, और ये सेंट्रल हेल्थ में 18 मिल सकता है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं 17 का भी एवरेज जोड़ा जाए तो आपको ऐसा मतलब मान सकते हैं 130 के आसपास मिलना चाहिए, तो 170, 130, 300 तो होना चाहिए ना, और मान लीजिए कि कट ऑफ कितना जाता है 430-40, तो सिविल में इसका मतलब कि अच्छा मार्क नहीं हुआ, बहुत लोग सिलेक्ट नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट कोई लोग सिलेक्ट नहीं हुआ, अगर कोई हुआ तो बताइएगा। तो ये चीज़ है कि पर्सनल बहुत ही मतलब गेम चेंजर, आप तो चेंज कर दिया गया इसी के अकॉर्डिंग, अब देखिए क्या होता है, हम लोग कटअप का वीडियो भी डाले थे, आपको भी पार्ट का भी, अगर जो लोग सिलेक्ट हुए उनका कॉन्वर्जेशन आप देख सकते हैं वीडियो, और इंटरव्यू का भी पूरा गाइडेंस हम लोग चला रहे हैं। देखिए इंडियन पार्लियामेंट के बारे में अगर देखिएगा तो यहाँ पे सोवरेन लेजिस्लेचर है, ये सब मैंने लिखा, आर्टिकल 51 दे दिया है, यहाँ पे कहाँ कहाँ से क्या लिया हम लोग पार्लियामेंट से, ये ब्रिटिश से कंट्रोल करना था, एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल है, ये फंडामेंटल राइट वगैरह, यहाँ पे आर्टिकल 2 वगैरह लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पे पार्लियामेंट पे क्या क्या लिमिटेशन है, तो ये आर्टिकल 32, 226 जुडिशल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट का कोई बिल है तो मान लीजिए प्रेसिडेंट से साइन भी कराना है, ये पार्लियामेंट्री कमेटी भी करती है, पीएल दायर किया जा सकता है, ये सारा पॉइंट, और फिर ये थोड़ा सा मतलब कि फिगर बना दिए, यूपीएससी वाले बनाते हैं, डॉक्टर ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर मैंने लिखकर यहाँ पे
ये इंडिया पार्लियामेंट और ब्रिटिश पार्लियामेंट दोनों के बीच में यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मैंने डिफरेंस बताने का प्रयास किया है, देख लीजिएगा ये पढ़कर और फिर कंक्लूजन करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3.5 पेज के पास यहाँ पे मैंने गया है, आप देख सकते हैं 3.5 पेज, तो इसमें भी 16-17 मिल सकता है जहाँ पर मुझे मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो 35-55 मार्क्स आपको पॉलिटी मुझे मिल सकता है और 30 मार्क्स मैं जोड़ कर चल रहा हूँ साइंस वाले में। थोड़ा सा पिछले बार तो अच्छा था लेकिन इस बार थोड़ा सा कम लिखा गया है, और उसमें भी आप मतलब 50 तो कम से कम मान ही चल सकते हैं इकोनॉमी वाले में 17 मार्क्स से बेस्ट, क्योंकि मैंने अच्छा लिखा है, ठीक ठाक लिखा है बता सकते हैं। और ये 135 आ रहा है, तो 135 और 175 जो GS1 में हम लोगों ने जोड़ा था, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने स्टेटिक्स भी सही किया था और मैप वगैरह भी डालकर हिस्ट्री वगैरह भी सही किया था, देख सकते हैं ये मैप, ये आपको इस तरह सब डाला हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम 300 से 310 मार्क्स तो मिलना चाहिए यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है। और अगर मान लीजिए 150 मैंने 160 जोड़ा था, 150 भी अगर आ जाता ना सिविल में तो मेरा सिलेक्टेड हो सकता था, सिविल का मैं एक कॉपी डालूंगा आप लोगों के साथ। तो यही चीज़ है, तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या फॉल्ट है, आप तो आगे सुधार करना होगा, 69 पर देखते रहेंगे। तो इस वीडियो में तैयार करें, कोई सीखे अच्छे से इस चीज़ को, ऑल द बेस्ट और मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर आपको करनी होगी, एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिएगा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट।